बरेली उत्तर प्रदेश कांग्रेस के संगठन सचिव डॉक्टर संजीव शर्मा आज पार्टी के जिला कार्यालय बरेली पहुंचे। यहां पर डॉक्टर संदीप शर्मा ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों को लेकर कांग्रेस के जिला व शहर पदाधिकारियों के साथ ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ महत्वपूर्ण बैठक में केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशानुसार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को गंभीरता से लेते हुए संगठन सचिव ने कार्यकर्ताओं से कहा कि त्रिस्तरीय चुनाव 2022 विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है, इसलिए सभी कांग्रेसी जनों को जनता के बीच जाकर कांग्रेस के संघर्ष की जनहित में की जा रही कोशिशों से अवगत कराएं और जनता को विश्वास दिलाएं कि इस बार जिला पंचायत चुनाव में जितने अधिक कांग्रेस के सदस्य जीत कर जाएंगे उसके परिणाम में आपको शहर की कई विधानसभाओं में कांग्रेस के नेतृत्वकर्ता अवश्य मिलेंगे। डॉक्टर संजीव शर्मा ने किसानों के मुद्दे पर कांग्रेस द्वारा खुले तौर पर किसानों के साथ खड़े होने की बात करते हुए कहा कि सपा बसपा के नेताओं द्वारा हर मुद्दे पर ट्विटर पर ट्वीट का खेल खेला जा रहा है। ऐसी पार्टियों को त्रिस्तरीय चुनाव में ही जनता सबक सिखा देगी। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष अशफाक सकलानी, प्रवक्ता राज शर्मा, दिनेश दद्दा, जियाउर रहमान, साहिब सिंह, बसंत चौहान, हाजी इस्लाम, बब्बू इलियास अंसारी, अनुज गंगवार, दीपक वाल्मीकि, महेंद्र सिंह, हेमा बत्रा, कमलेश ठाकुर आदि उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं को संबोधन के बाद डॉक्टर संजीव शर्मा ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए मौजूदा भाजपा सरकार की गलत नीतियों पर जहां खुलकर बात की, वहीं वसीम रिजवी द्वारा कुरान पाक के संबंध में दायर याचिका पर भी पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। डॉक्टर ये बताइए, जो आजकल एक बर्निंग इशू हमारे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, जो वसीम रिजवी ने कुरान पाक की 26 आयतों को के लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर की है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? ये एक बहुत निजी मामला है उस तबके का, एक धर्म की बात है, उस पर उसके ही जो जानने वाले लोग हैं वो बात अपनी रख सकेंगे। बहुत ज़्यादा मुझे इस विषय पर जानकारी भी नहीं है। अच्छा, हम ये जानना चाहते हैं, क्या कानून कोई राइट है किसी भी धार्मिक ग्रंथ में कोई संशोधन या परिवर्तन के लिए कोई याचिका करता है तो उस पर क्या एक्शन लिया जाए? धर्म हर एक व्यक्ति का बड़ा व्यक्तिगत मामला होता है, इसलिए इसे इतना विवादित बनाना, चाहे वो कानून के माध्यम से बने या सामाजिक तौर पे बने, ये कोई अच्छी बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को तो ये अधिकार नहीं है कि साहब वो किसी के धार्मिक ग्रंथ पर कोई फैसला दे। मैंने जैसे कहा कि बड़ा व्यक्तिगत मामला है, इस पे कोई चाहे कानून हो या समाज के को अगवा करने वाले लोग हों, उन्हें इनसे दूर रहना चाहिए। 1988 में इसी तरीके का एक मामला पश्चिमी बंगाल में हाईकोर्ट में किया था और वहाँ पर हाईकोर्ट ने रिट को खारिज किया था, क्या उसी के बेस पर सुप्रीम कोर्ट में भी खारिज होगी? देखेंगे, मैं क्यों इसका विशेषज्ञ नहीं हूँ, इस बात को विशेषज्ञ बता पाएंगे, लेकिन जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये बड़ा एक निजी मामला है उसको उस धर्म को मानने वाले लोगों का, उसमें दखलंदाजी करनी कोई अच्छी बात नहीं है। आखिरी सवाल ये है कि ये एक मजहब की आस्थाओं से जुड़ा हुआ मामला है, क्या कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या स्टैंड रहेगा अगर लोग इस मसले पर सड़कों पर आते हैं? नहीं, कांग्रेस जैसे मैंने अपना भी बताया कि पार्टी कभी भी ऐसे मसलों से जो उनका आंतरिक मामला है उसको मानने वाले लोग हैं जो उनके साथ खड़ी है। अभी तक कांग्रेस, सपा, बसपा, इन तीनों में से किसी भी बड़े नेता का इस मुद्दे पर कोई कमेंट्स नहीं आया, वरना तो अक्सर देखते हैं कि सपा और बसपा ने एक ट्रेंड तय कर रखा है, कोई भी मतलब तो ट्वीट कर देते हैं, लेकिन इस पर तो किसी ने ट्वीट भी नहीं किया है। जैसे मैंने कहा कि धर्म हर एक का, मेरा भी वो मजहब जो है बड़ा व्यक्तिगत स्थान रखता है, अपने हर एक का, कौन किसको मानेगा, किस तरीके से मानेगा, ये उसका निर्णय है, उसमें हम या कोई भी दखलंदाजी करने वाला कौन होता है। संवैधानिक तरीके से तो हर पार्टी के जिम्मेदार की प्रतिक्रिया ये आना चाहिए कि भाई ये वसीम रिजवी ने गलत किया है जो नहीं होना चाहिए। नहीं, आप नैरेटिव देना चाह रहे हैं, लेकिन आप समझिए इसके कानून के विशेषज्ञ बता पाएंगे कि ये पुटअप होना चाहिए या नहीं होना चाहिए।